चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एक स्क्वायर लूप है ए बी सी डी कैरिंग करंट आई। अब एक लूप है हम लोगों के पास ए बी सी डी जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और प्लेस नियर एंड कोप्लेनर विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। कोप्लेनर मतलब बोर्ड के प्लेन में अगर एक मेरे पास लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आई जिसमें करंट फ्लो हो रही है और ये स्क्वायर लूप कैरिंग करंट आई इस प्लेस नियर कोप्लेनर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट कैपिटल आई है, इसमें जो करंट है वो कैपिटल आई है और बोर्ड के प्लेन में है। देखो वायर अगर ऐसे है तो वायर ऐसे है तो इसी के प्लेन में मैं स्क्वायर रखूंगा, ठीक है। मतलब जो मैं स्क्वायर लूप रखा हूँ वो इसी के प्लेन में ऐसे है और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, चलो मान लो क्लॉक वाइज ही फ्लो हो रही है, बट इस स्क्वायर की जो साइड है वो एल है और ये जो लूप है एक्चुअली इसमें डायग्राम मिसिंग है बच्चों, तो ये जो लूप है इसका ये वाला साइड एल बाई टू पर है। एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम होगा तो ये एल बाई टू पर है, इसमें डायग्राम मिसिंग है। तो नेट फोर्स ऑन द लूप, अब ये इस पे नेट फोर्स हमें निकालना है, समझने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बार बार आएगा। एल बाई टू साइड ए है, बाकी हमारा काम हो गया। बोर्ड के प्लेन में देखते हैं, बोर्ड के प्लेन में देखते हैं तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको ले जाके मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपन ओरिएंटेशन थीटा डिसाइड करता है। तो ये जो स्क्वायर लूप है अपनी वजह से, खुद की वजह से तो फोर्स लगाएगा नहीं यार, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है बिल साइन थीटा। ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, उस पर ले जाके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा, तो अपनी वजह से तो कोई फोर्स लगाता ही नहीं है। तो ये जो स्क्वायर लूप है वो इस वायर जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट कैपिटल आई है, ये लूप इस वायर की फील्ड में आ गया है। तो सबसे पहले मैं ये देख लूं बोर्ड के प्लेन में कि ये जो वायर है वो बोर्ड के प्लेन में फील्ड किधर बनाया है। तो ऑब्वियसली सबको देखने आता है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर की वजह से फील्ड, तो वायर की वजह से अगर फील्ड देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल इधर पकड़ो और कर्वेचर बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो ये जो स्क्वायर है ये जो फील्ड अपने इस साइड बोर्ड के अंदर बनाया है, तो ये जो फील्ड क्रॉस में बना रहा हूँ ये किसका फील्ड है, ये इस वायर का फील्ड है प्यारे बच्चों जो इसने क्रिएट किया है। यार बात समझ में आ रहा है, और इसी फील्ड में ले जाके मैं एक अच्छा खासा स्क्वायर रख दिया जिसका साइड एल था। तो अब देख लेते हैं इस पे कितना फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने का क्या कंडीशन है, फोर्स लगने का कंडीशन ये है कि बिल साइन थीटा वाला इक्वेशन लगाएंगे फोर्स सब पे, एक एक पे देख लेते हैं। चार कंडक्टर है चारों पर फोर्स लगाते हैं, हम सबको पता है पहले से कि अगर ये वाला जो कंडक्टर है फर्स्ट कंडक्टर ये, इसमें और इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है इन दोनों में हो जाता है अट्रैक्शन, हम पहले से पता है, और फोर्स एफ वन। अगर नहीं पता है तो तभी भी निकाल ही सकते हो यार, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे अगर तो यह आ जाएगा आई एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी ये करंट आई एल क्रॉस बी, तो एल ऊपर है बी अंदर है एल क्रॉस बी, तो ये इस पे फोर्स इधर लगा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये आ जाएगा एफ वन इसमें और इसमें हो गया अट्रैक्शन। चलो इसी के जैसे एक इधर है एक ये वाला, ये जो लेंथ कंडक्टर एल है जिस स्क्वायर का, ये वाले वायर जो इनफाइनाइट वायर है और ये वाला, इनमें क्या हो जाएगा रिपल्सन, क्योंकि हम सबको पता है कि इसमें करंट ऊपर जा रहा और इस वाले में करंट नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इनमें रिपल्सन हो जाएगा, और नहीं तो एल क्रॉस बी से निकाल के देख लो, एल नीचे है बी उधर है, एल नीचे है बी इधर है, तो एल क्रॉस बी फोर्स इधर आ गया, तो यहां पर आ गया प्यारे बच्चों, इसको मैं एफ टू बोल देता हूं, ये एफ टू मैग्नीट्यूड का फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर क्रिएट किया था उसकी वजह से स्क्वायर के दो साइडों पे फोर्स हमने लगना स्टार्ट कर दिया, एक पे फोर्स आ जाएगा इधर की डायरेक्शन में अट्रैक्शन
और एक पे फोर्स इधर आ जाएगा जो कि होगा रिपल्सन, ये हमने निकाल लिया। व्हाट अबाउट ये जो ऊपर वाला है, इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो करंट इधर फॉलो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, देखना करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एल क्रॉस बी, एल बी, एल क्रॉस बी ऊपर, तो फोर्स ऊपर गया। बोर्ड के प्लेन में अगर देखोगे तो इस वाले पे जो फोर्स है प्यारे बच्चों, वो उस पे ऊपर फोर्स जाएगा, और ये मैं बता दूं तो ये आ जाएगा F3, इसका नाम दे देता हूं, ठीक है। ये कौन फोर्स लगा रहा है यार? ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है इस वाले पे, ठीक है, जो इसने क्रिएट किया है। अब यहां पर ये, यहां पर अगर देखोगे इस वाले पे, तो इस वाले पर देखोगे तो L इधर है, L ध्यान देना, L इधर है, B इधर है, L क्रॉस B, L इधर है, B इधर है, तो L क्रॉस B, तो नीचे, तो L क्रॉस B, B अंदर है बोर्ड के अंदर ही, L क्रॉस B तो नीचे, तो इस पे F, इस पे जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई, उसको मैं F4 दे देता हूँ। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अच्छे से समझ लेना, बहुत बड़े यूज होगा, बहुत सारे सवालों में यूज होगा भाई। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे फोर्स की, तो फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होता है विल साइन थीटा, और यहाँ पर हर जगह में देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ले अंदर है, और उस प्लेन के स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 है, तो जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा चारों पे, वो हो जाएगा बिल साइन 90 है, ठीक है। तो चलो अब अगर इस पे देखोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है, करंट सेम है, लेंथ एल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है और कम है, तो ये इस पे भी फोर्स अलग है। लेकिन अगर इस वायर, अगर इसको देखोगे आप अच्छे से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर देखोगे, तो ये वाला वायर है, इस पे जो फोर्स F3 की वैल्यू आ जाएगी, ये लेंथ L है, और यहाँ से यहाँ तक लेके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, और यहाँ से यहाँ तक लेके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वॉट एवर, बिल ही लगेगा, और ये भी बिल ही लगेगा। बी क्या है? यहाँ से यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे लग रहा है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। वैसे अगर देखोगे तो फोर्स इस पे कुछ ऐसा लगेगा, इस वाले को अगर अच्छे से देखोगे तो फोर्स इस पे घटता चला जाएगा, इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ये वाला लेंथ, ऐसा कुछ फोर्स लगेगा। लेकिन रिजल्टेंट तो कुछ ऐसा ही नेट आएगा ना, तो जो भी नेट फोर्स इस पे नीचे आया और इस पे नेट फोर्स ऊपर आया, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कर दिए कैंसिल, तो ये फोर्स हो, ये वाला फोर्स F3 F4 के इक्वल एंड अपोजिट है, और एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है रिजल्टेंट, तो वो हो गए कैंसिल यार, तो ये दोनों फोर्स हो गए गायब। अब ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन, नेट जैसे ऐसे रखोगे लू, वो नेट इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, नेट इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन वाला फोर्स F1 ज़्यादा होगा F2 से, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, तो F1 ज़्यादा होगा मेरे भाई F2 से, तो ऑब्वियसली अगर इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, और अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि करंट कैरिंग वायर है, और इसमें अगर मैं दो क्वेश्चन बना दूँ यहाँ पे, और यहाँ से मतलब इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अब यहाँ से करंट की डायरेक्शन हमने बदल दिए, तो इसमें इसमें अट्रैक्शन होगा इस स्क्वायर में, और इस वायर में अट्रैक्शन हो जाएगा इस स्क्वायर, और इसमें रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में नेट अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में नेट में हमें रिपल्सन आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब उस अट्रैक्शन नेट रिपल्सन का मैग्नीट्यूड निकालना यार, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? देखो चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे F1 निकालना पड़ेगा, F2 निकालना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा। तो चलो F1 F2 निकाल लेते हैं। सबसे पहले F1 की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो आता है म्यू नॉट I1 I2 लेंथ L और 2πD, ये फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर के बीच जो फोर्स होता है वो इसका एक्सप्रेशन है।
तो एफ वन की अगर वैल्यू मैं लिखूंगा तो म्यू नॉट, और इसमें करंट कितना है स्मॉल आई, इसमें करंट कितना है कैपिटल आई, तो स्मॉल आई कैपिटल आई और इस लेंथ पे जिस पे लेंथ फोर्स लग रहा है वो एल है, और डिवाइड कर दूं और टू पाई और इनके बीच का सेपरेशन ये है एल बाई टू, डायग्राम में एक्चुअल डायग्राम में दिया होगा तो एल बाई टू, तो टू ने टू को खा गया खत्म कर दिया, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल एल और पाई, और एल ने एल को भी खा गया भाई, तो यहां से मुझे मिल गया फाइनली म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई और यह आ जाएगा टू पाई और पाई, ये वाली जो है वो हमें सेपरेशन एल बाई टू था, तो यहाँ से एल बाई टू पर टू पाई, ठीक है, तो ये फोर्स आ गया एफ वन। अब चलो बात करो एफ टू की, तो एफ टू की अगर बात करोगे तो एफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, एफ टू की वैल्यू रखो म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई, म्यू नॉट आई स्मॉल आई कैपिटल एल, वो लेंथ ये स्क्वायर का साइड है लेंथ एल है, डिवाइडेड बाई टू पाई और इनके बीच का सेपरेशन, ये लेंथ यहाँ है कंडक्टर यहाँ है और यहाँ है, तो एल बाई टू है और ये एल है, तो फाइनली ये जो लेंथ है ये जो सेपरेशन है दिस सेपरेशन इज, ठीक है, एल बाई टू प्लस एल, तो ये जो एल बाई टू प्लस एल जोड़ लो इसको, तो एल बाई टू प्लस एल दैट इज थ्री एल बाई टू, तो ये आ जाएगा थ्री एल और बाई टू, तो टू ने टू को एल ने एल को, तो फाइनली जो है म्यू नॉट आई स्मॉल आई कैपिटल आई दैट इज थ्री पाई दैट इज एफ टू, तो ये नेट फोर्स एफ टू आया और ये नेट फोर्स एफ वन आया। अब हमें नेट रिजल्टेंट निकालना, तो इसमें से इसको घटा दूं, तो चलो माइनस कर देते हैं बच्चों, तो नेट फोर्स एफ नेट है, एफ वन डोमिनेंट अट्रैक्शन है, तो एफ वन माइनस एफ टू, तो एफ वन की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई कैपिटल आई और डिवाइडेड बाई पाई, में से माइनस घटा दूं म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई और थ्री पाई, तो पूरा अगर इसको सॉल्व कर लो थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई टू म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई और थ्री पाई, और ये नेट फोर्स आ जाएगा और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्लियर है सबको, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है म्यू नॉट आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाई थ्री पाई, तो फाई म्यू नॉट देखो टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई थ्री पाई दैट इज सी ऑप्शन इसका सही है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं।